इसका देखो, इसने पूरा फुल मॉडिफिकेशन करा के रखा हुआ है। ओ भाई, ये लोग भी सही पाल रहा है, ये लोग भी सही पाल रहा है। इन लोग को देखो, शायद रील्स बना रहे भाई, कसम से दुनिया दुनिया बहुत खराब चल रहा है भाई। ओ भाई, सिर्फ पहाड़ है देखो, एक बार बहुत हालत खराब, बहुत हालत खराब हो गया भाई। फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनी पे पहुंच गए। देखो भाई, लोकेशन चेक करो यहाँ का। वहां से गिरा ना तो गया, मतलब गिरा तो समझो गया। ओ मेरे रांझे, बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। हे गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियोस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो गाइस, आज है 26 जनवरी, तो आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई, आज 26 जनवरी है, तो एक अच्छा सा राइड तो बनता है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में राइड के लिए निकलेंगे और बहुत ही मजा आएगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिकॉज अगर आप लोग एक सेकंड भी स्किप करते तो बहुत कुछ मिस कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए फटाफट निकलते हैं बिना किसी बकवास के, बिकॉज बकवास करना मुझे पसंद नहीं। तो फटाफट निकलते हैं, वीडियो में बने रहो। तो भाई, यहाँ पे अपने सारे दोस्त आ चुके हैं और देखो भाई, सबका गाड़ी पे झंडा लग चुका है, ठीक है? यहाँ पे ये देखो विकास का गाड़ी भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग का ध्वज बंधन हो गया है। और तो कमेंट में एक भारत माँ की जय लिख देना। और यहाँ से अभी हम राइट पे निकलेंगे। और विकास का गाड़ी देखो भाई, आज जो मतलब ये दोनों एक तरफ से ये बजरंग बली लगाया है और एक तरफ से तिरंगा लगा के रखा हुआ है, ठीक है? और गाड़ी क्या साइन कर रहा है, इसके बाद लुक देखो भाई। और भाई ये देखो, अपनी जानी भाई, जानी क्या साइन कर रही है भाई। इसका मतलब इतना एक्सीडेंट हो गया ना कि भाई हर जगह टूटा पड़ा है। इसको मतलब एक अच्छे सर्विसिंग कराना है, सब कुछ ठीक करना है। देखो मतलब हर जगह ही टूटा पड़ा है। और ये हम लोगों ने बजरंग बली का ये लगा लिया है और फिर अभी जस्ट निकलेंगे और बहुत ही क्रेजी राइड होने वाला है। और हम लोग का देखो, एक गाड़ी में अभी इसमें एग्जॉस्ट चेंज है, ठीक है? इसमें एक एग्जॉस्ट चेंज है और हम लोग का एक R1 में एग्जॉस्ट चेंज है और एक MT भी आ रहा है। तो और ये देखो, ये R1 में हम लोग का एग्रा का एग्जॉस्ट लगा हुआ है और ये गाड़ी राहुल भाई का है। और अभी और ये देखा सस्ता वाला डियो सर। तो फिर अभी तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलेंगे फटाफट और विकास हीरो बन गया। चलिए फटाफट निकलते हैं। और भाई, यहाँ हम लोग का MT भी, सोनू का भी गाड़ी आ चुका है। और इसका देखो, इसने पूरा फुल मॉडिफिकेशन करा के रखा हुआ है। और देखो, एक तरफ ये तिरंगा है और एक तरफ ये जय हिंद का, ठीक है? तो फटाफट निकलते हैं। और जो से जो भयंकर साउंड आता है ना, जो R1 का और मेरा बाइक का जो है ना, वो दोनों का साउंड इसमें अकेला आता है, ठीक है? भाई इसका नॉर्मली साउंड सुनो एक बार, चेक करो इसका साउंड, ठीक है? साउंड सुनो एक बार। अरे स्विच तो दो। साउंड है भाई, से बहुत ज्यादा ही साउंड है। ये बस सिंपल सा साउंड है। तो भाई, चलो फटाफट अभी निकलते हैं। अब चाबी कहाँ है? और ये देखो, अपने सारे बंदे रेडी है और बहुत ही मजा आने वाला है इस साइड में। तो चलो फिलहाल चलते हैं। और विकास तो भाई बहुत ही हीरो लग रहा है भाई, मतलब पूरा लुक में आया है। और ये अपने बंदे रहे, चलो फटाफट निकलते हैं। और हम लोग के पास अभी गाड़ी तो है, पास मतलब कितना, 3 जैसे हम लोग का 8-9 गाड़ी हो गया, बट जो एग्जॉस्ट लगा वो 3 में ही लगा हुआ है, ठीक है? और वो 3 का एग्जॉस्ट काफ़ी, 4 में लगा है, कैंटोक में लगा है, कैंटोक का तो साउंड नहीं है, बाकी 3 ही काफ़ी है, ठीक है? तो चलो एक अच्छा सा राइड देते हैं और मज़ा आएगा। ओ भाई, ऐसे ही बवाल साउंड आ रहा है भाई। रिएक्शन देखो भाई, जस्ट आदमी का रिएक्शन देखो, ठीक है? बहुत ही मजा आ रहा है। ओ भाई बब्बाल बब्बाल, जो रिएक्शन दे रहा है सोनू पीछे भाई, फटा रहा है भाई। चलो यहाँ से निकलते हैं, चलो। ओ भाई गंदा भाई, बवाल साउंड आ रहा है। इसका साउंड चेक करो भाई, मतलब सबसे ज़्यादा साउंड इसी में आ रहा है। मतलब इसने फुल सिस्टम लगाया है, मतलब पूरा अंदर से पाइप लगाया, इसमें साउंड आ रहा है। हम लोग का मतलब फुल सिस्टम नहीं है, इससे साउंड तो कम आता है, बाकी इसने पूरा अंदर से लगाया हुआ है। चलो फिलहाल निकलते हैं, सभी हो गया सबका। ओए चलो निकलो। ओ भाई इसका अलग ही लुक आ रहा है, इतना बड़ा झंडा लगाया ना, बहुत ही सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। और इसका साउंड देखो भाई, बहुत ही अलग साउंड आ रहा है। और ये देखो भाई, सुमित का ये है भाई, मेरा हैंड
पूछोगे तो क्या हुआ, अपना गाड़ी है भाई, तुम्हारा की तरह चला के ऐसा है। भाई यहाँ पे 26 जनवरी होता है, अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ रुक के तो फायदा नहीं है क्योंकि ऐसा अभी यहाँ पे जो सामने निकाला हम लोग कि वहाँ सारा पुलिस देख रहा था, तो पकड़ भी सकता है बराबर। और भाई जानी जानी आई लव यू यार, मतलब ये लाइफ में ना मेरे को ना बहुत लोगों ने मतलब कोई नहीं समझा भाई, कोई लाइफ में आपको कभी कुछ समझ नहीं पाएगा, आप किसी को कितना भी समझाने का ट्राई करो वो कभी आपके फीलिंग्स को नहीं समझेगा, कुछ भी हो जाए कभी भी आपके फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा। किसी को अपने इमोशन शेयर मत करो बिकॉज हाँ भाई भाई किसी को भी तुम इमोशन शेयर करेगा ना सब मजाक बनाएगा, कोई समझने का ट्राई नहीं करेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि अपने आप को तुम खुद ही समझ सकते हो, कोई तुम्हें समझ नहीं सकता, ठीक है? तो खुद को ही समझो, अपने प्रॉब्लम किसी को शेयर मत करो, और यही है भाई। और जो यंगेस्ट मतलब जो यंग एज के लड़के लोग हैं 16, 17, 18, उन सबको मैं बोलना चाहूँगा भाई कि प्यार के चक्कर में बिल्कुल ही मत करो, ठीक है? बिल्कुल मत चलो। ध्यान से देखो इस शख्स को, इसको देखो क्या लग रहा है, साउथ का विलेन नहीं लग रहा है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है कालिया ना। चलिए फिलहाल निकलते हैं फटाफट। चलो 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 निकलो 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 निकलो। लाइफ में बहुत ही बड़े बड़े सपने हैं, ठीक है? बट पता नहीं कब पूरा कर पाऊंगा, बट मुझे भगवान पे भरोसा है और मुझे खुद पे ही भरोसा है, और मुझे लगता है कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है? आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ भी सोच के टेंशन मत आया करो, जो चल रहा है चलने दो, बट लाइफ को लेकर सीरियस रहो बस, ठीक है? और अपना खुशी भाई जिसमें तुमको खुशी मिले वहाँ खुशी ढूंढने का ट्राई करो, पता है? और अगर आप दूसरे के लिए जी रहे हो, ठीक है? लाइक बहुत लोग होते हैं ना जो यंग एज में ही लड़की के लिए भाई, मतलब मैंने बहुत को देखा है, मेरा खुद का फ्रेंड को मैंने देखा कि लड़की के लिए खुद को बर्बाद करके रखा, तो ऐसा कभी आप लोगों को नहीं करना चाहिए भाई। उसके लिए जितना आप सोचोगे चलोगे अपने, ठीक है? तो जितना हो सके खुद के लिए करो, बिकॉज लास्ट में भाई अब अकेले रहता हो, कहीं भी कुछ भी कर लो लास्ट में आपको खुद ही अकेले रहना है, अकेले संभालना पड़ता है, तो इससे पहले कि कुछ हो इससे पहले खुद ही सीरियस हो जाओ। ओ भाई ये लोग भी सही पाल रहा है, ये लोग भी सही पाल रहा है, क्या बोलूँ, ये लोग भी सही पाल रहा है भाई। ओ भाई क्या मॉडिफाई क्या लगे ना भाई, GoPro लेके घूम रहा है। ओ भाई हम लोग का लड़का लोग कहाँ रह गया पता नहीं। तो अभी हम लोग उल्दो के लिए वेट कर रहे हैं, मैं और विकास बहुत ही आगे आ गए, ठीक है? और हर बार की तरह हम लोग आगे आ गए, वो लोग पीछे ही रहता है, तो क्या वो लोग का वेट कर रहे हैं, वो लोग कब तक आएगा? वो लोग पिछला रोटी खा के रखा है इसलिए पीछे वो लोग पीछे का रोटी खा के रखा है इसलिए पीछे है, विकास बोल रहे हैं भाई। हम लोग ज़्यादा फास्ट भी नहीं जा रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक 60-70 में जा रहे हैं, और फिर भी वो लोग पीछे है, पता नहीं क्यों भाई। मैंने हम और मैंने विकास ने अच्छा टक्कर लिया, वो लोग तो बहुत आगे आ गए और वो लोग बहुत ही पीछे रह गए भाई अभी, तो उन लोग का वेट करते हैं आने के, देखते हैं कब तक आता है, फिर निकलते हैं फटाफट, ठीक है? और ठीक है बहुत मजा आने वाला है, तो लाइक जरूर करना, ठीक है? और फिर देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पूरा गांव वाला फीलिंग आ रहा है भाई, मतलब पूरा गांव ही लग रहा है, लाइक एक वन वे रास्ता है, रास्ता भी उतना ठीक नहीं है भाई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे गाड़ी हो रहा है। और ये व्यू जस्ट चेक करो, ये चर्च है, ठीक है? और हम लोग आई थिंक जाना उस पहाड़ पे, वो दिख रहे हैं वहाँ पे, वहाँ जाना आई थिंक,
देखते हैं रास्ता कहाँ से जाता है। और इन लोगों को देखो शायद रील्स बना रहे हैं भाई, कसम से दुनिया दुनिया बहुत खराब चल रहा है भाई। ये लोग गंदा सा गंद आ रहा है भाई कसम, और ये लोग रील्स बना रहे हैं। अबे पहाड़ ये है, तुम कहाँ ले गया भाई? हम लोग को जाना कहीं और था, आ कहीं और गया, मतलब सही लोकेशन पे आए। एक्चुअली जाना हम लोग को ऊपर था, देखो वो दिख रहा है ना, जाना हम लोग को वहाँ था, बट हम लोग एक गांव टाइप का भाई नीचे में आ गए। तो अभी यहाँ पे पहले बाइक का वीडियो शूट कर लेते हैं, रील्स बनाते हैं, ठीक है? फिर यहाँ से निकलेंगे, पॉइंट पे था, ठीक है? वो देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे जाना था। और हम लोग देखो अभी कहाँ पे आ गए, पूरा खेत में आ गए, ऐसा बिहार वाला फील आ रहा है। तो ये रहा राम का बाइक, ये रहा विकास का बाइक, ये रहा मेरा भाई, और बाइक का वीडियो बनाते हैं फिर निकलते हैं। भाई फाइनली जहाँ के लिए निकला था वहाँ पहुँचने वाला है, बहुत ही पहाड़ है। और वो लोग भाई जा रहा था, वो लोग को जाने दिया, तीनों आ गया खतरों का खिलाड़ी बनने। नहीं भाई इतना मतलब इतना दूर आए हैं, और जिस जगह पर आए वहीं नहीं घूम कर आएगा कैसा लगेगा? वो लोग को मैंने बोला, बोलता है नहीं जगह, मैंने बोला जाओ, और मैं और विकास आ गया। ऐसे भी नहीं भाई, नहीं शायद वो लोग आ रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं मतलब भाई देखो ऐसे भी वो लोग पीछे ही रहता है, और मैं विकास हमेशा आगे रहता हूँ, तो लोग जाएँ तो हम लोग निकल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और ये रास्ता देखो भाई बहुत ही थकान हो रहा है, देखो वो वैसे पहाड़ है, देखो एक बार बहुत हालत खराब हो गया। ओ भाई दुनिया से दूर, यहाँ पे मैं मजबूर। देखो एक बार आया, देखो भाई इसीलिए तो आया ना मैं, इसके लिए इतना पहाड़ क्या, बहुत ही पहाड़ चढ़ सकता भाई। बस व्यू देखो भाई, हालत खराब हो रही है। ओ भाई गर्मी भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, ये देखो ओ भाई। केदारनाथ तो जाना है भाई, हम लोग तो जा ही रहे ना भाई। यहाँ पे हम लोगों ने टेक ब्रेक लिया है, ओ भाई बहुत सांस फूल रहा है भाई अंदर से, बहुत अच्छा लग रहा है आके, बहुत थोड़ा सा सांस फूल गया बट अच्छा लग रहा है। और व्यू देखो एक बार यहाँ का, एक बार व्यू देखो भाई, जस्ट एक बार ध्यान से व्यू देखो भाई। फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनी पे पहुँच गए, देखो भाई लोकेशन चेक करो यहाँ का, बहुत ही हाई पे अभी हम लोग, और यहाँ सांस फूल गया है भाई। और एक चीज़ देखो, यहाँ से गिरा ना तो गया, मतलब गिरा तो समझो गया, बहुत ही ऊपर है अभी हम लोग, और सांस फूल गया और कुछ क्या। आप हम लोग घूम लिया, यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत थक गया, वो लोग बहुत आगे चला गया होगा, कुछ खा भी रहा होगा, तो निकलते हैं, कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं, ठीक है? तो एक लाइक कर देना, ठीक है भाई? यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए, और ये अपना दो बाइक रहा, अभी सीधा घर जाएंगे, कहीं रुकने का सिस्टम ही नहीं है, तो ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है? तो चलिए घर की तरफ निकलते हैं।